रीना मेहता कॉलेज की तरफ से मेगा जॉब फेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 40 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया। आपको बता दें, रीना मेहता कॉलेज लगातार 10 सालों से जॉब फेयर का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें हजारों बच्चों ने इंटरव्यू देकर अपनी पसंदीदा नौकरियां हासिल की हैं। माय नेम इज काशी शेख, रीना मेहता कॉलेज फ्रॉम रीना। हम लोग ने सेल्स वगैरह का करा, तो उसमें एक्सपीरियंस अच्छा था। आप लोग ने बोला कल तक आपका कॉल आएगा, ऐसा कुछ बोला, फिर हमने बोला ठीक है। आपका बेसिक है, यहाँ से आप सीख सकते हो, तो ऐसा कुछ। संजना मिश्रा, आई एम इन फर्स्ट ईयर BMS। आई एम फ्रॉम रीना मेहता कॉलेज। मैंने इंटरव्यू दिया है यहाँ पे, दो तीन जगह मैंने इंटरव्यू दिया, एंड इट वॉज really new experience for me because I'm a fresher. इसके पहले मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। मैंने पहले सिर्फ सुना था कि इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, बट आज really मैंने एक्सपीरियंस किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत फर्क पड़ता है, लाइक बातें करने में और एक्चुअली जाके इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप पर्सनली जाके जब इंटरव्यू देते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में ट्राई करना है, बिकॉज़ आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, सो आई थिंक आई कैन गो ऑन दैट। कॉलेज के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है? आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे कॉलेज ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज़ लोगों को जॉब के लिए बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। रीना मेहता हमको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम जॉब यहाँ पे ही ढूंढ सके, तो हमको बाहर कहीं जाके देखना ना पड़े। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई, वसई, विरार सहित कई कॉलेज से डिग्री हासिल करने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों ने जॉब फेयर में इंटरव्यू देकर नौकरी पाने की पहल की है। ये आपको सुनाते हैं हमसे बात करते हुए विभिन्न कंपनियों से आए रिप्रेजेंटेटिव ने जॉब फेयर कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। हेलो, आई एम फ्रॉम हंस जॉब प्राइवेट लिमिटेड एंड आई गॉट दिस ऑफर फॉर कमिंग हियर टू रीना मेहता कॉलेज फॉर अ जॉब फेयर। वी हैव गॉट क्वालिटी कैंडिडेट्स ओवर हियर फॉर द इंटरव्यूज। I think till now we have interviewed up to 15 candidates and everyone was quite good. So we are looking forward for more candidates to come for the interview. Basically, they should first go through the website of the companies before coming for the interview, so that they know that what the client is looking for, especially the positions which they are going to be interviewed on. Normally they are freshers. सो उतना पोजीशन वाइज नहीं करेंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट कंपनी का बेसिक नॉलेज उनको आना चाहिए, पता रहना चाहिए। बाकी लेकिन भी लाइक कम्युनिकेशन उनको थोड़ा ब्रशअप करके आना चाहिए कि क्या बोलना है, स्पेशली वो क्वेश्चन के लिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होना चाहिए उनका। सो माई सेल्फ रितिका सिंह एंड आई रिप्रेजेंट माई कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। देयर आई वर्क एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव टैलेंट एक्विजिशन। Basically, my key domain area is to hire students from campus hiring. So, I usually hire students, all the freshers from different domains, whether it's arts or commerce, for the role of customer service associate. Ma'am, what kind of experience have you had with children? And how many children have you selected? And how many children have you selected? Sure. So, abhi tak mere paas 5 bachche aaye hain apne interview dene ke liye, and I really like to interact with those people. And even students are very enthusiastic and they are very career oriented, I can say that. ये मैं बोल सकती हूँ कि अपने करियर को लेके they are very much sincere and they are planning to work in a corporate world. And some of the students they have planned for further studies. So the one they have planned for further studies, so I asked them कि okay, it's fine to continue your education because and the one students those I have selected. I have selected like out of 5 students, I have selected 2 students and the jo select nahi hue hain, so I would like to tell them to work on their communication skill because in today's time communication is more important. Ki aap apni baat rakh sako unke paas. So bahut bacche hain jo dare hue hain, nervous hain, so uske liye mera yahi hoga message ki aap apne communication skill pe work kariye. Yeah, I would sincerely like to thank the Reena Mehta College who invited us to be the part of this mega job fair. And I really like the hospitality what they are providing to all the recruiters and the students volunteers. They are very much active to coordinate with the HRs, to coordinate with the students. So I really like it a lot. रीना मेहता कॉलेज के ट्रस्टी डॉक्टर नरेंद्र मेहता ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम युवाओं के भविष्य को लेकर
हमेशा अग्रसर रहते हैं। डिग्री धारक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु हमारी तरफ से यह एक प्रयास है। आज हमारा हर साल ही हमारा जॉब फेयर लगता है। करीब करीब 10 साल से जॉब फेयर लग रहा है हमारे कॉलेज में, और करीब करीब आज जो हमने किया उसमें 40 प्लस कंपनीज हैं। मुख्य कंपनी जैसे HDFC, ICICI बैंक हैं, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस हैं, शिखा सेवा, कल्पवृक्ष, यूरेका, टोक्यो कंसल्टिंग फर्म, इन्फिनिटी स्मार्ट सर्विसेज, प्रिस्टीन, मोदी हुंडई, पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, ऐसी अनेक कंपनियां हमारे वहाँ आज रिक्रूटमेंट के लिए आई हैं। और कैंपस प्लेसमेंट आज हमारे वहाँ रीना मेहता कॉलेज में हुआ है। करीब मेरे ख्याल से अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 600 प्लस का रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का गया है। इसमें हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी हैं और बाहर के स्टूडेंट्स भी आए हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। और इंटरव्यूज़ हुआ है, अभी सेकेंड राउंड होगा, बाद में इनको बुलाया, जो सिलेक्ट हुए उनको बुलाया जाएगा और उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स लोग हैं, उनको प्लेसमेंट्स मिलना चाहिए, ज़रूरी होता है, इससे कॉलेज का भी नाम होता है और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है कि कॉलेज वहाँ स्टूडेंट्स लोगों को प्लेसमेंट दे रहा है और इंटरव्यूज़ कैसे फेस करना है वो टीचर्स लोग हमारी सिखाती हैं, तो वो अच्छी तरह से फेस करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हैं। हाय, माय सेल्फ निसर्ग भाई, आई एम फ्रॉम माइक्रोसिस HR डिपार्टमेंट मुंबई, एंड हम यहाँ पे जॉब फेयर के लिए आए हैं। बच्चों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लोग हमारे पास आए हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमें कि एक एजुकेटेड लोग हमें मिले हैं और कुछ लोगों को हमने सिलेक्ट भी किया है, कुछ लोगों के CV शॉर्टलिस्टेड भी किए हैं, उस पे जाके हम लोग वर्क करके उनको वापस एक इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाने वाले हैं। माय नेम इज़ रोहित रजक, आई एम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड prep.study। बेसिकली इट्स एन असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट एज वेल एज रिटेल। वी वर देयर इन रिटेल एंड नाउ वी आर इन कॉर्पोरेट एज वेल। सो वी हैव कम टू रीना मेहता कॉलेज, द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड द कैंडिडेट्स दे वर लाइक गुड इनफ एंड वी आर लुकिंग फॉर सेल्स, HR, टेक डिपार्टमेंट एज वेल। So we have got a positive response from their end, and further we'll see like the CVs what we have got, we'll shortlist them and we'll call them for the interview. Potential what we are looking like, the dedication part and the positive approach, like some in case if we hire them, they work for a while and then they leave. So we don't want that thing to happen. For a long period of time, we are searching for such candidates right now. Myself Sheikh Fahad and I am currently studying Reena Mehta College, first year BMS. Experience acha tha, main recruitment and marketing, branding ye sab ke liye gaya tha. Acha raha, aapka experience pucha jata hai and pucha jata hai ki aap kis field mein comfortable hai एंड आपके बारे में पूछा जाता है। जैसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़े, उनको थोड़ा एक ग्रोथ के लिए एक फर्स्ट स्टेप है उनके लिए, अच्छा लगता है, काफ़ी सीखने का मौका मिलता है, कुछ समझने का अपने करियर के बारे में। मेरा नाम तौफीक खान है, आई एम फ्रॉम FYB। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, कॉलेज की जो फैसिलिटी थी बहुत अच्छी थी, HR ने भी बड़े अच्छे से क्वेश्चन किए, गाइड किया है कैसे क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हुआ है, अपना रिक्वायरमेंट भी पता चला है किस चीज़ पे जॉब करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लस इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी भी मिली हम लोग को कॉलेजेस की तरफ से, हर कॉलेजेस के बच्चे हैं, इसमें पार्ट लिया हम लोग ने भी, हम लोग को भी अच्छा लगा। मेरा नाम रिया दुबे है और मैं केलेवन स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेज के HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। अभी हम यहाँ रीना मेहता कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आए थे। स्टूडेंट्स हमें अप्रॉक्सीमेटली 10-15 के रेंज में मिले आए थे यहाँ इंटरव्यू के लिए। वी हैव फाउंड कि अलॉन्ग विथ रीना मेहता बाहर के स्टूडेंट्स भी आए थे, बाहर के कॉलेजेस के भी, दैट इज़ वेरी गुड एंड ग्रेट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है अपने स्किल्स एंड चेक करने के लिए कि हम कैसे कौन कौन से प्रोफाइल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कमिंग टू द पार्ट अबाउट इंटरव्यूज एंड द कैंडिडेट्स जो हमारे पास आए वो काफ़ी ज़्यादा करके कि फ्रेशर्स थे, समवेयर सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि किस फील्ड में जाए, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो अ मिक्स बैच ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट वी हैड हियर। वेरी फर्स्ट थिंग होता है कि उनका ड्रेसिंग, ग्रूमिंग इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट हर स्टूडेंट हर इंटरव्यू को ध्यान देना चाहिए जब वो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट comes about the posture, the body posture that they have.
उसके अलावा उससे भी ज़रूरी जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस प्रोफाइल के बारे में जानकारी और जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सोच सकें कि आपका कौन सा प्रोफाइल रहेगा कौन सी कंपनी रहेगी और आपको करना क्या है एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हमारे साथ भी इंटरव्यूज हुए जिनका थॉट प्रोसेस बहुत स्कैटर्ड था जिनको एक्चुअली नहीं पता था कि उनको क्या अप्लाई करना है और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड स्पेशली जब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो हो और उस चीज़ में काम कर रहे हो ना तो 100% के बदले आपका प्रोडक्ट 200-300% होता है प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है ग्रेटफुल थैंकफुल टू देम दैट दे हैव गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड फॉर दिस प्लेसमेंट ड्राइव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट सीनियर से मिलते हैं एम्प्लॉय से मिलते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोफाइल क्या है कंपनी कैसी है टू अंडरस्टैंड अ मार्केट और आई एम मुमताज़ दयानी प्लेसमेंट ऑफिसर ऑफ रीना मेहता कॉलेज और ये जो जॉब फेयर है मेगा जॉब फेयर ये है एवरी ईयर हम रीना मेहता कॉलेज में करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जॉब मिले एंड इस जॉब फेयर में इट्स नॉट ओनली आर कॉलेज स्टूडेंट्स वी ऑल्सो इन्वाइट अदर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो सो इट इज़ ओपन फॉर एवरी वन किसी को भी किसी भी कॉलेज या किसी भी स्ट्रीम से है तो वो वहाँ पे से यहाँ पर आकर जॉब इंटरव्यू अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम लास्ट वन मंथ वी आर डूइंग प्रिपरेशंस ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स टीम प्रिंसिपल मैम के गाइडेंस में माय वॉलंटियर्स एवरीवन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दिस जॉब फेयर 40+ कंपनीज हमारे कैंपस में आज ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड वी हैड अराउंड 400+ रजिस्ट्रेशंस फॉर दैट तो एवरी कंपनी वी आर कंटिन्यूसली गिविंग दम द कैंडिडेट्स आस्किंग दम फॉर द रिक्वायरमेंट्स और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वी आर शॉर्टलिस्टिंग एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क एंड सेंडिंग द कैंडिडेट्स एट द सेम टाइम हम डेस्क पर ही हेल्प कर रहे हैं कौन से कैंडिडेट कितनी इंटरव्यूज दे सकता है बिकॉज कैंडिडेट को प्रोफाइल वगैरह एक्सप्लेन करके वी आर टेलिंग दम टू गिव द इंटरव्यूज सो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड वी आर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वी आर गेटिंग गुड फीडबैक फ्रॉम द रिक्रूटर्स ऑल्सो So we are looking forward for more such kind of fair in our colleges. Itna hi bolungi, confidence comes when you prepare. So instead of, you know, just random aap kisi interview mein chale jao, don't do that. Thoda sa aap preparation karo, you get a lot of Google answers. जहाँ पर आपको एक रैंडम कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप पहले से प्रिपेयर करके आते हो वो इम्पॉर्टेंट है सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड बी अवेयर कि आप कहाँ काम करने जा रहे हो कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाता है